हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला एजुकेशन ऐप पर। आज बात करते हैं शब्द विचार के दूसरे भेद व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद के भी तीन भेद होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, इसकी परिभाषा है परंपरागत रूप से प्रयुक्त होने वाले शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। इनका अर्थ तो होता है लेकिन विभाजन स्वरूप कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे उदाहरण है इसका, जैसे जल, अभी तो इसका अर्थ है लेकिन विभाजन स्वरूप इसका कोई अर्थ नहीं होगा। जा धन ला, विभाजन स्वरूप इसका कोई अर्थ नहीं है। दूसरा उदाहरण है किताब, की धन तार, इसका भी विभाजन स्वरूप कोई अर्थ नहीं है। कहानी, का कहानी, का धन हानि, इन शब्दों का विभाजन स्वरूप कोई भी अर्थ प्राप्त नहीं हो रहा। जल का जा धन ला, इसका भी कोई अर्थ प्राप्त नहीं हो रहा। की धन ताप, इसका भी कोई सार्थक अर्थ नहीं है। का धन हानि, इसका भी कोई सार्थक अर्थ नहीं है। आ धन काश, इसका भी कोई सार्थक अर्थ नहीं है। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद का दूसरा भेद यौगिक शब्द। इसकी परिभाषा वे शब्द जिनका विभाजन स्वरूप दोनों खंडों का सार्थक अर्थ निकलता है उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण है इसका, जैसे विद्यालय, विभाजन स्वरूप इसका सार्थक अर्थ निकलेगा दोनों खंडों का। विद्या धन आलय, विद्या धन आलय, इसका मतलब होगा विद्या का घर, जहां विद्या अर्जित की जाती है। हिमालय, दूसरा उदाहरण है हिमालय, हिमधन आलय, वर्ष का घर, इसका अर्थ होगा वर्ष का घर, मतलब बर्फ का आश्रय। तीसरा उदाहरण है पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय, मीन्स पुस्तक का घर, जहां पुस्तकें रहती हैं, पुस्तक का घर। और उदाहरण है देवेंद्र, देवेंद्र महेंद्र, महाधनिंद्र। और एक उदाहरण है गिरीश, ग्रीस को जाएगा गिरिधन ईस। इन शब्दों का विभाजन स्वरूप भी सार्थक अर्थ प्राप्त हो रहा है। जैसे विद्या धन वाला विद्या का घर हो गया, देवेंद्र भगवान इंद्र, देवेंद्र का भगवान इंद्र, महान है जो महान इंद्र, गिरीश हिमालय, हिमधनालय, पुस्तकालय जहां पुस्तकें रहती हैं। तीसरा भेद है योग रूढ़ शब्द। इसकी परिभाषा होती है वे शब्द जिनके दोनों खंडों का अर्थ हो लेकिन परंतु वे दोनों अर्थ किसी तीसरे अर्थ को प्रकट करें, वहां योग रूढ़ शब्द होता है। इसका सेम परिभाषा बपुरी समाज जैसे है, इसका उदाहरण भी सेम बपुरी समाज जैसे ही होते हैं। जैसे है उदाहरण, जैसे पीतांबर,
इसका होगा पीला है अंबर जिसका, पीला है अंबर जिसका अर्थात भगवान विष्णु, दोनों खंडों का अर्थ परंतु ये दोनों खंड तीसरे अर्थ को प्रकट करें, तो पीला है अंबर जिसका अर्थात भगवान विष्णु, जैसे श्वेतांबर श्वेत है अंबर जिसका अर्थात वस्त्र, अंबर मीन्स वस्त्र, अंबर श्वेत है अंबर जिसका अर्थात हो जाएगा मां सरस्वती, मां सरस्वती। तीसरा है नीलकंठ, नीला है कंठ नीला है कंठ जिसका था भगवान शिव, अर्थात भगवान शिव। पंकज, पंक, पंक का अर्थ हुआ कीचड़ और ज का अर्थ हुआ, पंक का अर्थ हुआ कीचड़, ज का अर्थ हुआ उत्पन्न होने वाला, उत्पन्न होने वाला अर्थात जो कीचड़ उत्पन्न होता है दोस्तों कमल, पंख का अर्थ हुआ कीचड़, ज का अर्थ हुआ उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। जलद, जलद, जल, जल का अर्थ हुआ जल और द का अर्थ हुआ देने वाला, देने वाला या उत्पन्न करने वाला। बादल, जलद का अर्थ हुआ बादल, मीन्स इसकी परिभाषा और उदाहरण को प्री समझ जैसे हैं। पीतांबर पीला है वस्त्र जिसका अर्थात भगवान विष्णु, श्वेतांबर श्वेत है अंबर जिसका अर्थात सफेद है जिसका वस्त्र माँ सरस्वती, नीलकंठ नीला कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव, पंकज पंक, पंक यानी कीचड़ जल उत्पन्न होने वाला अर्थात जो कीचड़ उत्पन्न होता है कमल, जल जल उत्पन्न होने वाला यानी जल देने वाला, जल देने वाला कौन है बादल। इसके और उदाहरण है लंबोदर, सेम इसके उदाहरण को ग्री समाज जैसे हैं। लंबोदर, लंबा है, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका अर्थात भगवान गणेश, अर्थात भगवान गणेश। और से है दिगंबर, दिगंबर दिशाएं हैं वह जिसकी, दिगंबर है दिशाएं हैं वह जिसकी अर्थात शिव, अर्थात भगवान शिव। गिरधर, गिरधर गिरि को धारण करने वाला, गिरि को धारण करने, गिर को धारण करने वाला अर्थात भगवान कृष्ण। इसके सेम उदाहरण सेम परिभाषा बब्रीही समाज जैसे है अर्थात
मतलब दोनों इसका दोनों खंडों का अर्थ के बावजूद किसी भिन्न अर्थ को प्रकट करते, जैसे लंबा है उधर अर्थात भगवान गणेश को। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।